ये जो भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से, इसका मैं निंदा करता हूँ। और राजस्थान के ऊपर चर्चा आपसे स्वीकार, आप स्वीकार करें ऐसा अनुरोध करता हूँ। और जल्द से जल्द उसको लिस्ट किया जाए और तुरंत लिस्ट करके राजस्थान के गंभीर विषय के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। ऑनरेबल मेंबर्स, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा, मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, पीयूष गोयल ने कहा। और बड़ी खबर ये, इस जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर पर चर्चा की मांग विपक्ष डे 1 से कर रहा है जब से मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो चाह रही है कि छोटी चर्चा हो। और इसी के बीच हंगामा हुआ और हंगामे की भेंट एक बार फिर कार्यवाही चढ़ गई। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो फिलहाल की स्थिति में तो ये लगता नहीं है कि लोकसभा आज राहुल गांधी आएंगे। आपके पास क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन? देखिए, इसमें कयासबाजी का कोई बहुत मतलब नहीं है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी संसद सदस्य के तौर पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और वो आ सकते हैं। अब वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब लाजमी तौर पर जब राहुल गांधी को आना होगा तो वो 5 मिनट का समय लगता है उनके 10 जनपद में जहाँ सोनिया गांधी के साथ वो रहते हैं, वहाँ से संसद भवन पहुँचने में। अगर लोकसभा की कार्यवाही आज चलती है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी आएंगे, अन्यथा कल जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो वहाँ पर तो राहुल गांधी को लेकर आना ही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह के माहौल को देखें तो समझा जा सकता है कि इस पूरे एपिसोड को लेकर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से एक एक मैसेजिंग ऐसे कर रही है, चाहे उसके ट्वीट के मार्फत, उनके बयानों के मार्फत या राहुल गांधी के प्रेजेंस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके इस प्रकार से मैसेजिंग की जा रही है जिसमें राहुल गांधी एक बहुत वीर के तौर पर देखें जो किसी लड़ाई को जीत के आए हैं। और उसमें इस चीज़ को छुपाया जाएगा कि राहुल गांधी बेसिकली उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इस रूप में राहत मिली है कि जो मामला उनके खिलाफ चल रहा है जिसमें उन्हें लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसमें जो सजा दे दी गई है वो अधिकतम सजा थी उस अपराध के लिए, उस सजा पर रोक लगा दी गई है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला चला था उसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग जिस प्रकार की होनी चाहिए राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो पूरी तरीके से की जा रही है। और वो न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि अगर कार्रवाई चलेगी तो संसद के भीतर भी नजर आएगी। फिलहाल इंतजार इस बात का रहेगा कि लोकसभा की कार्रवाई क्या आज चल पा रही है, क्योंकि बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 11:45 पर संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी। और जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी संसद सदस्यता बहाली के बाद आज आएंगे या नहीं आएंगे, उससे लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये खबर आ चुकी है। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस पर जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आज कितने बजे राहुल गांधी आएंगे सेशन में और क्या वो बोलेंगे भी? देखिए, आज 12:45 का समय हमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है वहां से एंटर करेंगे राहुल गांधी और 12:45 के करीब पार्लियामेंट पहुंचेंगे। आज जहां तक बात बोलने की है तो क्योंकि नोटिसेस, अडजर्नमेंट नोटिसेस बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर ने आज भी दिया है मणिपुर के मसले पर, लेकिन ये तमाम अडजर्नमेंट मोशंस जो है वो डे 1 से दिए जा रहे हैं, लेकिन नोटिसेस अभी तक लोकसभा चेयरमैन की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। तो ऐसा कोई मौका आज नहीं है कि कोई बिल हो या कोई अडजर्नमेंट मोशन हो जिस पर राहुल गांधी का, या कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले। बहरहाल अब कल क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी, तो हमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई, क्योंकि गौरव गोगोई की तरफ से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो ये 3 लोग जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा में मोर्चा संभालेंगे।
करेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे। आज संभावना कम लग रही है, लेकिन राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के भीतर जाएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि शायद पत्रकारों से जाते वक्त वो कोई बात करें या आते वक्त कोई बात करें, अपनी बात कहें, जो भी वो कहना चाहते हैं। जनरली राहुल गांधी जाते वक्त जरूर मीडिया के जो पत्रकार वहां खड़े होते हैं उनसे बात करते हुए हमें इंतजार रहेगा। 11:45 पर यानी 12:15 राहुल गांधी पहुंचते हैं और फिर संसद में आज क्या कुछ रहता है पूरी जानकारी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। विजयलक्ष्मी और देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।